फिर वो अपने अपने दम पे फेल। आज के व्लॉग में जाएगा। शायद मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया। कैसा था पेपर? पेपर ये हमारे क्लास की टॉपर है गाइस, एकदम टॉपर है, सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। कैसा था संजना अलवेरा, कैसा था भाई तुम्हारा? मेरा मैं एक बार वॉशरूम गई हूँ, तेरे को समझ में आ रही है? और उसमें मैंने नहीं था मेरा फोन यार, इसके पास था। ये चार बार वॉशरूम गया और इसमें उठ गया, एक बार भी नहीं। तीन बार तो मेरे सामने गया, हाथ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, कोई चिट नहीं, कुछ नहीं। मैं फेल हुआ अपने दम पे फेल। अच्छा, ऑन गॉड ऑन गॉड। तेरा कैसा था फाइट? क्या बोलूं, ऋषि ने तो बहुत पढ़ाई करी है, इसकी सुबह आंखें लाल होती थी भाई। MBBS में मास्टर्स हमेशा रखना और ठीक ले काम आए। क्या बात है मैडम, तेरा कैसा गया? भाई मेरा ठीक ही था। अगर मैं तेरा ब्लॉग मार देती हूँ, विधि बताओ आपका कैसा गया? अब क्या बताऊं, मेरा ठीक था। अगर मुझे सबने पास करा दिया तो मैं हो जाऊंगी एज इन टीचर्स ने, मैंने किसी से चीटिंग नहीं करी है। चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रैक्टिकल कैसा हुआ? बहुत स्वीट थी, एक्सटर्नल जो थी। वीडियो लैग हो रहा था बहुत बार, तो मैंने बोला कि मैम यू आर नॉट ऑडिबल, तो मैं आराम से अपना टाइम लेके सोच के आराम से आंसर कर रहा था। बहुत तेज हो रहा है। विधि, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस एप्रन? मुझे लगता है मार्क्स होते होंगे इसके लिए, अच्छे से दिखने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल एकदम बाल बांध के, चश्मा पहन के, कोट पहन के बैठी थी। मैं तो मैं एक भी थोड़ा सा भी इन सब की वजह से नहीं मार्क कटने चाहिए, जो नहीं आता उसी की वजह से। हमारे हॉस्टल में भी सब लोग बहुत तैयार होके एकदम शेव वेव करके टाइम सब बहुत अच्छे से बन के बैठे हैं। ऐसा था कि अगर एक्सटर्नल आपसे कुछ ऐसा पूछ रही है जो नहीं बता पा रहे, तो आपके कॉलेज के जो होंगे, जैसे मेरे साथ तो हमारी बायोकेम की HOD थी, तो वो आपको लाइक थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन पूछ के कि बच्चे बचा लेंगे लाइक बेसिकली। अपने कॉलेज वाले बैठे ही इसलिए कि आपको बचा लें, और एक्सटर्नल बैठे हैं कि आपको थोड़ा सा खत्म करें। मुझसे सीधा सबसे मुश्किल यूरिया बताओ मैं, और ना मैंने, मुझे पता था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, और मैंने 5-7 मिनट पहले पढ़ा था वो, कि मुझे कुछ भी नहीं आता था उसमें। मैंने पढ़ा, मैंने फटाफट गूगल किया, फाइल से देखा, सब कुछ करके, और मैंने सारा, और क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले पढ़ा था तो मैंने सारा बता दिया। फिर उसके बाद ये होता है लास्ट मिनट पढ़ाई मैटर्स, बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है लास्ट मिनट। यूरिन का फ्लो कैसे डिपेंड करता है, यूरिया का, अगर बहुत पानी पी लो तो ज्यादा होता है। यार चुप हो जाओ, थर्ड क्लास का नहीं था भाई। और मुझसे वो भी चीज पूछ ली जो मैंने स्पेशली एक लाइन पढ़ी थी फाइल में, मेरे को लग रहा था ये तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटिनिन और यूरिया क्लियरेंस में डिफरेंस क्या है। मैंने पढ़ लिया था, मैंने पूरा बोल दी वो लाइन, मैंने पूरी कॉपी 5 मिनट पहले पढ़ी, इतनी खुशी हुई ना मेरे को। बट मुझे पता था कि वो सबसे मुश्किल है, और मेरे इतना गंदा लगे कि मेरे को वही मिलेगा। प्रैक्टिकल फाइनल फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन हो रहा है और आप कह रहे हो अनलकी हो? मैं हूँ अनलकी, उसमें सबसे मुश्किल मेरे को मिला। चलो अनलकी अभी नहीं, फ्यूचर में होंगे जब सब पूछेंगे ना कि आर यू ऑनलाइन डॉक्टर, बुरा लगता है भाई। हम ऑनलाइन डॉक्टर नहीं है, मैंने अपने सारे प्री प्रोफेशनल एग्जाम्स और प्रोफेशनल थ्योरी ऑफलाइन ही दिया। मेरे पीछे एक मेरा दोस्त बैठा था, जब हम एनाटॉमी का पेपर दे रहे थे, तो जब खत्म हो गया ना पेपर, तो उसने मेरे को बोला, दीदी तो मेरे को बताइयो तू पास होती है कि नहीं एनाटॉमी। मैंने कहा क्यों? कहते तूने एक डायग्राम नहीं बनाया है। मैंने कहा मैंने अपने बायो के बोर्ड में भी नहीं बनाया था, और मेरे को 100 मार्क्स मिले थे। कहता वो बायो वो बोर्ड्स था भी, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है। मेरे को ड्राइंग नहीं पसंद एक्चुअली बिल्कुल। एनाटॉमी जब खत्म होगा ना, शायद मैं आंसू आ जाएंगे, पता है जब एनाटॉमी का वाइवा खत्म होगा ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि वाइवा बहुत गंदा जाएगा। कल परसों एनाटॉमी खत्म होने की बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा मतलब इससे ज्यादा टेरिबल सब्जेक्ट मुझे लगता था SST, हिस्ट्री से गंदा कोई सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, रोना सब्जेक्ट गंदा नहीं है। कैसा हुआ आज का पेपर? बहुत ही डिटेल में पूछ लिया मुझसे, बहुत ही ज्यादा फालतू का डिटेल। क्या पूछा? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पूछा बहुत। हमने आज तक कभी इतना नहीं डिटेल में किया जितना उन्होंने पूछ लिया। ब्लड प्रेशर से फायदा था मुझे याद है तो। अरे नहीं, वो नहीं, मतलब जैसे पूछ लिया कि कफ का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, कफ का मेजरमेंट पूछ लिया। फिर पूछ लिया कि कैसे डिटरमिन करते हैं हम कि कफ कितना छोटा कितना बड़ा होगा डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा बच्चा है। मेरे को क्या पता, डिपेंड करता है कि कितना गला खराब है। Six and a half hours later. Cough. Oh my god. अच्छा, अभी मेरे अंदर मेंटल कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, देखो अब समझ आया। तो इसका मतलब ब्रेन में गड़बड़ है। आपने उनको बताया आपका यूट्यूब चैनल?
यूट्यूब चैनल है? इसका भी तो है यूट्यूब चैनल, ये तो हमारी यूट्यूब चैनल की स्टार है। की करती है इसको देखो। चीटिंग कितनी होती है? अच्छा ऑनलाइन भाईवास में मोस्टली होती है कि आप क्वेश्चंस जान लो बस कि क्या पूछ रहे हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपसे भी वही पूछे। मेरा कभी नहीं ऐसा लक होता। मैंने क्लिनिकल में सबके पूछ लिया, हाँ क्या पूछा क्या पूछा क्या, मुझसे कुछ और ही पूछ लिया, किसी से नहीं पूछा। स्विग्मा मैनोमीटर से मेरे से पूछा। अखा विच चोर है ना कोई तोड़ है पाप। छी बहुत अच्छा गाना है, पता नहीं कौन सा गाना है, मेरे दिमाग में चढ़ गया, मैं वाइवा देते हुए गाना याद आ रही है। जब मैं आकाश के टाइम भी मैं पढ़ता था ना, मैंने बंद कर दिया था कैची सॉन्ग सुनना, लाइक लिटरली मैंने एक बार वो सकर सुन लिया था जोनस ब्रदर्स का, और वो मैं पढ़ ही नहीं पाया उसे एक हफ्ते, बस कुछ भी सॉल्व करने बैठा। आई एम अ सकर फॉर यू। कल उसका है ना एनाटॉमी का। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वन? नहीं। शायद मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया। ओह माय गॉड, शायद। बट मेरे पेपर खत्म। मेरे एक महीने से पेपर चल रहे थे, मेरे पेपर आज खत्म हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आई हैव नो आइडिया मैं क्या करने वाली हूँ। इतना जैसे नीट खत्म होता था तब फील हो रहा था ना, वैसे ही अभी फील हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था यार, रोज ट्रॉमेटाइज होती थी मैं। यार मामा ने ना कैमरा खोल लिया, ये भी नहीं कि मुझे एक बार आके हग कर ले, एक बार प्यार कर ले, बोलते विधि आपने सर्वाइव कर लिया, आप स्ट्रेंथ नहीं आ रहे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओह माय गॉड, चलो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मैं कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। मम्मा को फोन कर लेता हूँ। हेलो मम्मा, मम्मा मैं इतना बड़ा बीबी हो गया, आप बताओ मैं फर्स्ट ईयर भी कर लिया अपना। ऐसे कुछ नहीं होता है, पहले रिजल्ट आने दो। कर रहे हो? ये देखो। नहीं अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं अपने कॉलेज के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। मामा प्लीज एक बार मेरे को बोलो ना डॉक्टर विधि। छी विधि, छी कभी भी नहीं। हेलो हाय, कैसा है? सुमित भी आप बोलो। आप हाय हाय विधि। एक मिनट क्या बोलना था? सभी नहीं निकल पा रहा विधि। बोलो हेलो डॉक्टर विधि। हेलो डॉक्टर विधि, कैसी है? ज्यादातर इन लोगों को पागल बोल दिया जाता है। काफी प्रिटी हाउस दिया। सो गाइस, अलवेरा ने आज तक कभी ककोरी का भाप नहीं खाया था। शर्म आनी चाहिए। सही में बंदा जज कर रहे ना इससे। अलवेरा ने नहीं खाया आज तक ककोरी का भाप। कैसे? लाइक कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी कह रहे तूने खुद बनाया? नहीं, क्या मैं प्रॉफ के लिए पढ़ी थी, एनाटॉमी का वाइवा खोल रही थी। ये हमने अभी स्नैक्स खाए हैं। यस, हमने अभी सिर्फ स्नैक्स खाए हैं, जिसमें हमने ककोरी खाया, फिश खाया, गलौटी खाया है, चिकन टिक्का खाया है, हमने मोमोज खाए हैं। अगर मैं होती ना, मैं इनमें से एक चीज भी नहीं खिलाती, पता है सच में। और वेज लोग आए नहीं, तो मेरे को लगा नहीं कि वेज स्नैक्स की जरूरत है। और वरना और होता है। yes. वरना और होता है। और या को शेयर नहीं करेंगे सही में कभी भी। ये हमारी है, ठीक है, कभी भी कुछ मत करना इसके साथ। अभी डिनर भी है। हाँ, डिनर में हमारे पास दाल मखनी है, बटर चिकन है, हमारे पास रारा मीट है। मुझे थोड़ा शादी शादी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी शादी में। लिटरली शादी का मैंने नहीं, शादी में लाइटनिंग ऑल्सो। शादी में भी सात स्टार्टर्स नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद हमें कल लंच में राजमा चावल भी मिल रहा है, तो ब्रेकफास्ट में पराठियां हैं, आलू की, पनीर की, गोभी। तो मैं तो घर नहीं आ रही हूँ अब वापस, तो मैं तो बाय बाय। अब वापस नहीं, अब शक्ल लास्ट टाइम देखी थी आपने। शर्म तो आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, क्यूट है, क्यूट है। ये है विधि, विले सब स्क्वायर बन चुका है। क्राउड कोई मुझे ब्लड सप्लाई फील नहीं हो रही अपने ब्रेन में इस टाइम पे। अबे जितनी होनी चाहिए होनी चाहिए, ब्रेन में होनी चाहिए। सही में यार, अबे मेरी नेजल कॉन्के में दर्द हो रहा है। इन लोग ने ज्यादा ही पढ़ लिया है। नेजल कॉन्के में क्यों? सब मिक्स अप कर दिए। इंटीरियर और मिडिल नेजल कॉन्के में दर्द हो रहा है। मैं अपने पेशेंट्स को तेरे पास नहीं रेफर करती। ये बोला ना नेजल कॉन्के क्या कर रही है? मुझे ना बहुत
रॉक स्टार्स भाई अकेले छपरी मेरे कितने घर के तुलसी के पेड़ खा लिए. अरे तुलसी बची थी यार, मैं दुखी हो रही थी. गाइज इसने मेरे घर के आधे तुलसी के पेड़ खाली कर दिए और मेरे को पता भी नहीं था मेरे घर में तुलसी के पेड़ है. घर में 8-9 तुलसी के पेड़ है और मैं टोटल में शायद 15-20 खाऊंगा बस. व्हाट इज मैथमेटिक्स. मॉर्निंग गाइज, हो क्या रहा है यार यहाँ पे? यहाँ मसाज सेशन चल रहा है. ये मेरे को कब मिलेगी? अभी तो ऑफर दिया था बट आपने लिया नहीं. गाइज आपके प्रॉफ्स के बाद के क्या प्लान्स हैं? मसाज पार्टी सोच रही हूं. आपको सेकंड ईयर में पढ़ने का प्लान है क्या? नो, जब फर्स्ट ईयर में पास हो सकते हैं बिना पढ़े तो सेकंड ईयर. हाय राम, ये हाल देख लिया. सेकंड ईयर में कांट अफोर्ड दैट. सही में यार, सही पढ़ा करो. जिसने भी मेडिसिन लिया पढ़ा करो. तू पढ़ना चाहता है रमित? नो, बिल्कुल नहीं पड़ेगा. तो विधि आप भी आगे मसाज करवाने? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. आप क्या पेमेंट दे रहे हो? आज तक किसी ने मसाज नहीं करी ऐसे, मतलब घर वालों ने तो बिल्कुल भी इतना प्यार नहीं करती मसाज. मामा मामी क्या ये सच है? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा सच है. ओह माय गॉड. और आपकी पेमेंट क्या है अलवेरा को इसके लिए? फीचर ब्लॉग में. और क्या भाई, वो तो ऐसे भी नहीं, वो तो ऐसे भी होना ही है. तुम लोगों के पास अब चॉइस नहीं है ब्लॉग में फीचर होने की या ना होने की. You have signed up for this. We have signed up. जब हम दर्द आए थे तो वो नीचे से एक छोटा सा लिखा हुआ था, also 3 is a crowd for 5. और अभी खाना भी आने वाला है. राजमा चावल खाने हैं. इसने जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, विधि ने 2 घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया सिर्फ. और तुलसी खाई है बहुत ढेर सारी. विधि तुलसी का साइंटिफिक नेम ऑसिवम सैंक्टम. बच्ची को एक ही टर्म आता है बायो का. पूछने मैं मामा का फालतू में प्रमोशन कर रही हूँ फॉर नो रीजन एट ऑल. कोने में जो मामा, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर राइटिंग दिस. आई लव दिस सॉन्ग. आई लव दिस सॉन्ग. इट होल्ड सो मेनी मेमोरीज. दिखा नहीं, मैं बताती हूँ कौन सा है. रुक रुक मुझे गेस करने दे. दिस वन. गलत उत्तर दिया. ये है मामा. स्टार्ट करो. एक्साइटेड नहीं हो घर जाने के लिए? बहुत ज्यादा. प्लीज लॉकडाउन हो जाए. तू एक्साइटेड नहीं है घर जाने के लिए? भाई 1 महीने से ज्यादा नहीं. ऐसी औलाद का क्या फायदा बताई. बाय गाइस, बाय गाइस, मैं जा रही हूँ. बाय 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 बाय. बस भी करो. So guys, that was the end of the video. I hope you liked it. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वादा किया था, एक रैंडम कमेंटर को 500 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा. एंड द विनर इज ये यशस्वी. यू विन. He says love you guys. Thank you, Yashasvi. That was the winning comment. हम हर वीडियो में 500 रुपए का Amazon gift voucher देंगे, तो सब्सक्राइब करो और एक कॉमेंट जरूर छोड़ो. And guys, we love reading your comments. We read all of them, alright? अच्छे कॉमेंट करना. See you guys. Bye. Bye.